चलिए आज डायरेक्ट बात करते हैं मोदी जी से। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। देश की हकीकत, देश के दर्द को और देश की पीड़ा को मुझे नहीं मालूम आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। किस बात की लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है, सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्यों नहीं बेड मिल रहे, क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा, छीन लिया इसने। चुप, हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे, क्यों नहीं भेज रहा हूँ सिलेंडर सबको। आप रैलियों में बड़े बैठे हैं, रैलियां कर रहा है, बंगाल जीतना उसने, देश मर रहा है, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या? जनता के सवालों से कब तक छुपोगे मोदी जी? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एक तो आप इंटरव्यूज बहुत कम देते हैं, और देते भी हैं तो आप उन्हीं लोगों को देते हैं जो आपको पसंद है, जैसे चौधरी साहब हो गए। मेरा पहला सवाल है, जो देश में हालात बने हैं, इन हालातों से, इन तस्वीरों से आपको पीड़ा नहीं होती? इन शब्दों से आपको निराशा नहीं होती? निराशा का सवाल है। मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना पाना बनना होता है तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। आपको पता था कि कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है, फिर भी बंगाल में रैलियां कर रहे थे। देश जानना चाहता है कि आपको सत्ता का इतना भी क्या लोभ है? आप पीएम तो बन चुके हैं, और आप कहां जाना चाहते हो? क्या आपको संतोष नहीं है? मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार फोर व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं। सर, गोदी मीडिया एक चीज को दोष दे रही है, सिस्टम को। सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? कि छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार है, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। सर, सिस्टम खराब है तभी तो लोग खुद अपने स्तर पर, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड की सुविधा है, काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है, वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब देखिए आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है, किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय किसी भी कोने में रुका नहीं था, लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी।
सर आप तो इतिहास पढ़ाने लग गए हैं। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में कोविड के मामले कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, कितने लोगों की जाने जा रही है? मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूँ। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक ग्लास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। सर सवाल तो पूछने होते हैं, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की निशानी है। जनता ने आपको वोट दिया है, आप चुने हुए नेता हैं। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।